आगरा में क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री मनीष गौतम जी ने पत्रकार बंधुओं को बताया कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे ताकतवर नेता, भारत देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिन के अवसर पर 17 सितंबर से लेकर महात्मा गांधी जी की जयंती एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रहे हैं। इस मौके पर भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरे देश में 17 सितंबर को रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहा है। इस सेवा पखवाड़े के प्रत्येक दिन जनहित में सेवा कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान भाजयुमो क्षेत्रीय मंत्री श्री गौरव रजावत जी ने कहा कि रक्तदान सेवा का पहला ऐसा कार्य है जिसमें कोई भेदभाव नहीं होता। सभी वर्ग के लिए यह रक्त जीवन दान देने का कार्य करता है। रक्तदान शिविर के माध्यम से जन सेवा का कार्य करने में भाजयुमो के कार्यकर्ता हमेशा से प्रतिबद्ध रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता राष्ट्र नीति के लिए राजनीति करते हैं। भाजपा महानगर महामंत्री मनोज गर्ग जी उपस्थित रहे। 140 करोड़ जनता के जननायक दलित शोषित वंचित पिछड़ों की आवाज और जो भारत माता को परम वैभव तक पहुंचाने के लिए संकल्पित हैं, वचनबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का जन्म दिवस 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक भारतीय जनता युवा मोर्चा रक्तदान कर मना रहा है, क्योंकि रक्तदान एक महादान है जो किसी का जीवन बचा सकता है। रक्तदान ही पहली सेवा की एक परिकल्पना है जो कि कहीं भी भेदभाव नहीं रखता। किसी भी व्यक्ति का रक्त, किसी भी जात, किसी भी धर्म के व्यक्ति का रक्त किसी भी जात के धर्म के व्यक्ति को बचा सकता है, उसको जीवन दान दे सकता है, उसके परिवार में खुशियां लौटा सकता है, उसके चेहरे की मुस्कान लौटा सकता है। माननीय मोदी जी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का ध्येय वाक्य है कि हम राष्ट्र नीति के लिए राजनीति करते हैं, हम राजनीति के लिए राजनीति नहीं करते, और सेवा का प्रथम माध्यम वही सेवा ही संकल्प भारतीय जनता पार्टी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का और हमारे ब्रज क्षेत्र के माननीय अध्यक्ष मनीष गौतम जी के नेतृत्व में ब्रज क्षेत्र में बड़ी भूमिका में, एक बहुत बड़ी श्रृंखला में मानव जीवन बचाने के लिए, सेवा प्रकल्प बनाने के लिए और प्रधानमंत्री के जन्मदिन मनाने के लिए जो पहला माध्यम रखा है माननीय प्रांशु द्विवेदी जी ने, माननीय तेजस्वी सूर्य जी ने सराहनीय है और इसके लिए वचनबद्ध आगरा महानगर के अध्यक्ष ने पूर्व से तैयारी किए हैं। और आप निश्चित मानिएगा, प्रथम बार भी पहले भी भारतीय जनता युवा मोर्चा ने बहुत विभिन्न जगहों पर ब्लड कैंप लगाकर एक सेवा के प्रकल्प माध्यम शुरुआत किया, उसको अंजाम तक भी पहुंचाया है। और निश्चित तौर पर 17 सितंबर को एक बहुत बड़ी युवाओं की संख्या आज इस ब्लड डोनेशन कैंप माननीय मोदी जी के जन्मदिन को मनाने के लिए वचनबद्ध। जनपद सिद्धार्थनगर में शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के सर्वोच्च शिखर पर सरला इंटरनेशनल एकेडमी सिद्धार्थनगर। लखीमपुर खीरी में सगी दो बहनों के साथ गैंग रेप के बाद हत्या कर दी। इस मामले को लेकर राष्ट्रीय लोक दल जनपद के जिला प्रभारी सर्वेश पाठक के नेतृत्व में राष्ट्रपति को संबोधित जिला अधिकारी कार्यालय पर ज्ञापन दिया और सर्वेश पाठक ने मांग की लखीमपुर खीरी जनपद में सगी दो बहनों के साथ संघन्य अपराध की जाँच CBI द्वारा कराई जाने की मांग की। लखीमपुर खीरी के थाना सिंहासन क्षेत्र में दो सगी बहनों की हत्या की गई है। शीघ्र से शीघ्र घटना में लिप्त दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाने की मांग करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान सरकार के राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त एवं चौपट है। अपराधियों को शासन प्रशासन का कोई भय नहीं है। महिला सम्मान हेतु आवश्यक कदम भी उठाए जाए। हम सब राष्ट्रीय लोक दल के कार्यकर्ता पीड़ित परिवार के साथ हैं। मांग करते हैं कि उक्त बिंदुओं की शीघ्र से शीघ्र जांच कराकर दोषियों को कड़ी सजा दी जाए। क्या नाम भैया आपका? सर्वेश पाठक, राष्ट्रीय लोकदल बरेली। क्या मांग है आज की? हमारी ये मांग है कि अभी 2-3 दिन पहले की बात है, लखीमपुर खीरी में दो सगी बहनों का जघन्य अपराध लोगों ने किया, उनकी हत्या की गई। उसके विरोध में सभी लोगों को, हम सब राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारी और कार्यकर्ता सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जो भी जिसने भी ये कांड किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और दूसरी मांग हमारी ये है कि कोई निरपराधी इसमें नहीं फंसना चाहिए,
और CBI जांच की हम मांग करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार का जो है कोई भी कंसर्ट शासन प्रशासन पर नहीं है, अपराधियों का बोलबाला है और ऐसे घृणित अपराध हर जिले में कहीं ना कहीं आपको जब से ये सरकार आई है देखने को मिल रहे हैं। हम इसका डट के विरोध करते हैं, सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं, महिला सुरक्षा की मांग करते हैं। हम ये आज ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति महोदय के लिए बरेली जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से भेज रहे हैं कि महिला सुरक्षा की विशेष व्यवस्था उत्तर प्रदेश में की जाए। अधिकतर महिलाओं के सम्मान की रक्षा ये सरकार नहीं कर पा रही है। हमारी डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंबापुर कुर्दिया सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंबापुर कुर्दिया सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंबापुर कुर्दिया सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंबापुर कुर्दिया सिद्धार्थनगर। फरुखाबाद के थाना क्षेत्र अमृतपुर कस्बे में संचालित RR पब्लिक स्कूल में कक्षा 4 की छात्रा को लघु शंका लगने पर अध्यापक ने नहीं दी छुट्टी। छात्रा ने क्लास में ही कपड़ों में ही लघु शंका घटना की जानकारी छात्रा ने अपने पिता को दी। पिता जब विद्यालय पहुंचे तो दबंग प्रबंधक ने पिता को भगाया और छात्रा का नाम काटकर स्कूल से भगाने की दी धमकी। अवैध रूप से संचालित स्कूल का दबंग किस्म का है। प्रबंधक पीड़ित पिता ने उपजिलाधिकारी से लगाई न्याय की गुहार। जिले में चल रहे कई अवैध संचालित विद्यालय RR पब्लिक स्कूल की मान्यता है कक्षा 1 से 5 तक, लेकिन शिक्षा विभाग के रहमो करम पर वह शिक्षा 1 से लेकर 8 तक चलता है। क्लास देखना है कि क्या कार्यवाही करता है शिक्षा विभाग। जनपद सिद्धार्थनगर में शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के सर्वोच्च शिखर पर सरला इंटरनेशनल एकेडमी सिद्धार्थनगर। उत्तराखंड के नैनीताल लालकुआ कोतवाली क्षेत्र में इन दिनों पुलिस के ऑपरेशन धरपकड़ से नशे की सौदागरों में हड़कंप मचा हुआ है। कोतवाल DR वर्मा के नेतृत्व में चलाए जा रहे इस ऑपरेशन धरपकड़ में अब तक 2 दर्जन से अधिक मादक पदार्थों के तस्करों को धर दबोचा गया है। बताते चले कि बीते लंबे समय से लालकुआ क्षेत्र कच्ची शराब तस्करी के लिए भी बदनाम है। यहाँ पर साल पुलिस औसतन 30 से 40 तस्करों को शराब की तस्करी करते हुए पकड़ती आई है, लेकिन इस बार पुलिस का अंदाज और तेवर दोनों बदले हुए हैं। इधर कोतवाल DR वर्मा के कोतवाली की कमान संभालने के बाद ही तस्करों के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। उनके द्वारा पिछले 1 महीने से शुरू हुए ऑपरेशन धरपकड़ में ही अब तक 2 दर्जन आरोपियों को कच्ची शराब की तस्करी में धर दबोचा गया है। इसमें स्मैक एवं ड्रग्स तस्कर भी शामिल है। जिसमें शराब से लेकर सभी इसमें जो है युद्ध स्तर पर जो है कार्रवाई की जा रही है, कई टीमें बना रखी है। टाउन तब से लगभग 2 दर्जन NPS के साथ साथ पंचायत में है, मुझे पर भेजा गया है और 12-14 लड़कों को काउंसलिंग भी और बाकी इसमें जो है सख्त कार्रवाई।
के देवबंद में राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के जिला संयोजक राव मुसर्रफ अली पुंडीर ने देवबंद इलाके के एक शिव मंदिर में पहुंचकर शिवलिंग का जलाभिषेक किया। इतना ही नहीं, राव मुसर्रफ अली ने जलाभिषेक के अलावा मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना भी की। इस अवसर पर राव मुसर्रफ ने कहा कि जल्द ही भगवान भोलेनाथ उन्हें वाराणसी बनाएंगे। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी शेयर किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार देवबंद के शिव मंदिर में भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे राव मुसर्रफ अली पुंडीर इस्लाम के खिलाफ गतिविधियां करके अक्सर चर्चाओं में बने रहते हैं। इस बार उन्होंने शिव मंदिर में शिवलिंग पर जलाभिषेक कर हिंदू मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना की। एक तरफ जहां हिंदू संगठन इसकी तारीफ कर रहे हैं, वहीं इस्लाम से जुड़े लोग इसे इस्लाम के खिलाफ बता रहे हैं। राव मुसर्रफ अली पुंडीर ने जलाभिषेक करने के बाद कहा कि भगवान शिव भोलेनाथ की हम सब पर कृपा बनी रहे। हमने अपने पूर्वजों की परंपराओं और भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए हमने जलाभिषेक किया है। भगवान भोलेनाथ में उनकी आस्था है। जल्द ही भगवान भोलेनाथ हमें वाराणसी बुलाएंगे तो वे वहां भी भोले बाबा का जलाभिषेक करेंगे। हमने देखिए जलाभिषेक किया है शिवलिंग पर, हम सब पर भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। और मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ और अपने धर्म का और सभी धर्म के सम्मान करने वाला व्यक्ति हूँ। और हम चाहते हैं कि देश में भाईचारा और शांति बनी रहे। हमारे पूर्वज भी जो है वो जलाभिषेक किया करते थे। अपनी पूर्वजों की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हमने जलाभिषेक किया है और जल्द ही हमें भोलेनाथ वाराणसी के अंदर बुलाएंगे। हम वाराणसी के अंदर भी जो है जाकर के ज्ञानवापी में शिवलिंग पर जलाभिषेक कियाने। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हमें जरूर वाराणसी। कम खर्चे में अच्छा इलाज कराएं नवजीवन हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी, अत्याधिक सुविधाओं से युक्त बाधा बेहतर स्वास्थ्य का डिलीवरी नॉर्मल एवं ऑपरेशन द्वारा कराने की सुविधा है। पित्त की थैली में पथरी का ऑपरेशन एवं गुर्दे पेशाब की थैली में पथरी का इलाज दवाइयों द्वारा किया जाता है। हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, शुगर, नींद न आना, श्वास फूलना, पेट एवं छाती के रोगों का इलाज कुशल चिकित्सक की देखरेख में किया जाता है। पता रेलवे लाइन के किनारे निकट दाल मिल पैमेश्वर गेट रेलवे पुल के पास नया रसूलपुर फिरोजाबाद। निदेशक श्री राम गोपाल वर्मा जी। सहारनपुर में थाना कुतुब शेर पुलिस ने नकली नोट छापने वाले गिरोह के सरगना को गिरफ्तार किया है। इस गिरोह का एक सदस्य 8,000 के नकली नोट के साथ पहले भी गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है। 4 दिन पहले थाना कुतुब शेर पुलिस के हाथ पोपिन नाम का एक युवक लगा था। उसके कब्जे से 8,000 रुपए के नकली नोट बरामद हुए थे। पोपिन ने पुलिस पूछताछ में बताया कि वह नकली नोट को असली बनाने के लिए स्टाम्प पेपर को फाड़ कर उससे तार निकाल कर नकली नोट में इस्तेमाल करते थे। पोपिन को पूछताछ के बाद जेल भेज दिया था और अब उसके बताए ठिकाने पर दबिश डाली तो मौके से नकली नोट छापने के इस्तेमाल में आने वाले लैपटॉप, प्रिंटर, स्टाम्प पेपर सहित अन्य उपकरण बरामद हो गए। मौके से ही इस गिरोह का सरगना विकास भी पकड़ा गया, जो लंबे समय से नकली नोट छाप कर बाजार में चला रहे थे। पकड़ा गया विकास। इस गिरोह का एक सदस्य को पोपिन पहले ही जेल भेज चुका है। करके चलाने का प्रयास कर रहा था। उसकी गिरफ्तारी पर पुलिस ने उससे जो पूछताछ की उसमें उनके गिरोह के अन्य सदस्यों के नाम सामने आए और उसी क्रम में आज ये इनके सदस्य दूसरे एक व्यक्ति हैं, ये पकड़े गए हैं। विकास नाम का ये अभियुक्त जो है ये भी पूर्व के अभियुक्त के साथ में ये घटनाएं करता था। इनके गिरोह के अभी तक 5 सदस्य पूरे सामने आए हैं, जिनमें से 2 लोग गिरफ्तार हो गए हैं। और इनसे हमको पूछताछ में एक प्रिंटर, एक लैपटॉप, एक पेन ड्राइव और स्टाम्प पेपर और अन्य सामग्री मिली है, जिसका उपयोग ये नकली नोट बनाने में करते थे। जो तरीका इनसे पूछताछ में सामने आया है उसमें पता चला है कि ये स्टाम्प पेपर को बीच में से काट के स्टाम्प पेपर को 2 हिस्सा कर लेते थे और उसकी जो 2 हिस्सा करने के बाद उसमें 200 रुपये का जो तार होता है, जो टेप लगी होती है 200 रुपये के अंदर, उसको काट के उसको 2,000 के नोट में लगा के उसका वाटरमार्क का प्रिंट निकाल के और फिर उसको चिपकाने के बाद उसका कलर प्रिंट करके
ये नोट पूरा तैयार करते थे और इसको ये इस्तेमाल करते थे। अक्सर इनके इस्तेमाल का तरीका यह होता था कि ये ऐसी दुकान या ऐसा मकान या ऐसा कोई व्यावसायिक प्रतिष्ठान चुनते थे जहाँ पर कि कोई बुजुर्ग हो या असक्षम व्यक्ति हो या वहाँ पे अंधेरा हो, बिजली की व्यवस्था पूरी ना हो या वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा ना हो। इन बातों का ख्याल रखते हुए ये वहाँ जाते थे और मौका देखकर 200-300 का सामान खरीद के अपना 2000 का नोट वहाँ चलाते थे। सर, स्टाम्प पेपर कितनी मात्रा में मिले, क्योंकि अनऑथराइज्ड पर्सन को स्टाम्प पेपर मिल नहीं पाते, तो क्या कोई स्टाम्प पेपर विक्रेता भी इनसे जुड़ा हुआ है? जो स्टाम्प पेपर मिले हैं उनकी भी हम जांच कर रहे हैं, स्टाम्प पेपर विक्रेता का भी हमको पता ज्ञात हुआ। माँ भगवान देवी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी और अत्याधिक सुविधाओं से युक्त पादा बेहतर स्वास्थ्य का पता माँ भगवान देवी हॉस्पिटल मैनपुरी चौराहा बजाज एजेंसी के सामने शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद। डायरेक्टर डॉक्टर AK राजपूत। सहारनपुर के गंगोह में स्थित शोभित यूनिवर्सिटी में आज साईकाल मेन के नाम से जाने जाने वाले पद्मश्री और IIT दिल्ली के प्रोफेसर किरण सेठ का यूनिवर्सिटी प्रबंधन व छात्रों ने जोरदार स्वागत किया। युवाओं को भारतीय संस्कृति पर्यावरण के लिए साईकाल यात्रा कर रहे किरण सेठ ने शोभित यूनिवर्सिटी के छात्रों को संबोधित करते हुए उन्हें भारतीय संस्कृति व शिक्षा को लेकर जरूरी टिप्स भी दिए। पद्मश्री किरण सेठ ने कहा कि आजकल के छात्रों में धैर्य व विश्वास की कमी है, यदि छात्रों में ये दोनों चीजें आ जाएं तो वे अपना बेहतर कल बना सकते हैं। बस मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा सब स्टूडेंट्स को कि आजकल जो युवा पीढ़ी है वो हमसे कई गुना होशियार है और बहुत कुछ जानती है, जो हम तो बुद्धू थे उस वक़्त। खाली दो चीज़ें उनमें थोड़ा मिसिंग है, एक थोड़ा सा धैर्य और एक थोड़ा सा विश्वास। अगर ये धैर्य और विश्वास आ जाए उनकी ज़िंदगी में तो वो बहुत ऊँची कोटि तक जा सकेंगे। ये मैं शोभित यूनिवर्सिटी और सारे स्टूडेंट्स को ये मैं एक क्या को एडवाइस तो मैं नहीं कहना चाहता, पर एक सजेशन देना चाहता। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं RA इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं RA इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं RA इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं RA इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। आपके शहर फिरोजाबाद में खुल गया राम शांति वेडिंग प्लानर्स एंड इवेंट। हमारे यहाँ शादी विवाह एवं बर्थडे पार्टी के लिए फ्लावर डेकोरेशन, लाइट डेकोरेशन, कैटरिंग, DJ साउंड, फर्नीचर, वीडियोग्राफी, ट्रेवल्स, ब्यूटी पार्लर और सिक्योरिटी बाउंसर, लड़के लड़कियाँ, VIP वेटर, सभी प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध है। राम शांति वेडिंग प्लानर का पता राम शांति पतंजलि केंद्र, बजरंग नगर, हनुमान मंदिर के पीछे, जलेसर रोड, फिरोजाबाद। डायरेक्टर मिस्टर राकेश कुमार कश्यप। कम खर्चे में अच्छा इलाज कराएं नवजीवन हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी, अत्याधिक सुविधाओं से युक्त पादा बेहतर स्वास्थ्य का, डिलीवरी नॉर्मल एवं ऑपरेशन द्वारा कराने की सुविधा है। पित्त की थैली में पथरी का ऑपरेशन एवं गुर्दे पेशाब की थैली में पथरी का इलाज दवाइयों द्वारा किया जाता है। हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, शुगर, नींद न आना, श्वास फूलना, पेट एवं छाती के रोगों का इलाज कुशल चिकित्सक की देखरेख में किया जाता है। पता रेलवे लाइन के किनारे निकट दाल मिल, पैमेश्वर गेट, रेलवे पुल के पास, नया रसूलपुर, फिरोजाबाद। निदेशक श्री राम गोपाल वर्मा जी। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।